तुळजापूर हे आहे खरं, मूळ तुळजापूर हे आहे कारण तुळजापूर नंतर त्याला नाव नंतर दिलेलं आहे. चलो मास्क तो लेना पड़ेगा. चलो आगे चलते. लेकिन क्या बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मंदिर पुराना है, ऐसा लगता है कि अभी अभी बना होगा सच में. चलो देखते क्या क्या मिलता है यहाँ पर, बहुत कुछ है. अरे यार कवड़े के माला है ना, कवड़े के माला है ना, छोटा दे बड़ा दे. ना नहीं नहीं लेना तो कुछ नहीं, लेकिन खाली देखना है लक्ष्मी को. वाह अभी खाली 7:30 बजे. प्रीवियस एक्सपीरियंस के मुताबिक हम लोग सोच रहे थे कि कम से कम 9:30-10 बजे आएंगे, लेकिन अभी कोरोना शुरू है तो कुछ भीड़ नहीं कुछ नहीं, आराम से दर्शन हो गया. थोड़ा सा रुक गए, थोड़ा सा जब जाप कर लिया और अभी जाएंगे भक्त निवास पे और वहाँ से आगे शायद अगर हो सके तो गुरुजी के यहाँ प्रसाद लेंगे, भोजन लेंगे और उसके बाद शायद अक्कलकोट जाएंगे. पता नहीं है, आज वीकेंड है, संडे है तो अच्छा हुआ माँ ने बुला लिया. बहुत कुछ है यहाँ पर तो मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता था कि तुळजापूर बहुत ही छोटा सा विलेज टाइप ऐसा ही गांव होगा ऐसा मुझे लगता था. जब से यहाँ पे आया हूँ ना कल, इतना बड़ा बड़ा गांव, इतना बड़ा, इतने अच्छे रोड्स, आश्चर्य है. मेरे गांव में भी इतने अच्छे रास्ते नहीं है देखो. बढ़िया बढ़िया. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जो हल्दी होती है ना, और हल्दी से जो कुमकुम बनता है ना, ऐसा बोलते हैं कि यहाँ का कुमकुम बहुत फेमस है और बहुत प्योर है, तो आप यहाँ से ले सकते हो. बहुत सारी जगह पे यहाँ पे मिलता है, तुळजापुर हो, कोल्हापुर हो, पंढरपुर हो, ये जगह बहुत फेमस है कुमकुम के लिए स्पेशली, और सांगली भी वैसे तो फेमस है ही हल्दी के लिए. बहुत कुछ है यहाँ पर. एक्चुअली क्या है ना, ऐसी जगह पे 2-3 दिन रुकना चाहिए, लेकिन मैं तो हर बार ये गलती करता हूँ. मैं हर बार वीकेंड पे आता हूँ, जल्दी में आता हूँ और जल्दी में निकलता हूँ. चलो निकलना पड़ेगा आगे. अरे जय बजरंग बली, श्री राम श्री राम श्री राम. अरे वाह बहुत छोटा. मेरा और कुत्तों का क्या रिलेशन है पता नहीं, परिक्रमा में, कुरोपुर में और यहाँ भी. देखो कब से चल रहा है हमारे साथ. आगे जाता है और रुकता है. चलो बाबू पीछे नहीं आना है. क्या है यार. लो और एक हनुमान मंदिर है. ओम हनुमंते नमः. जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम. शायद अंदर शिवजी भी है. वाह मंदिर तो पुराना लग रहा है. अंदर जाने की परमिशन है या क्या पता. ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय. जटाटवी गलत जल
प्रवाह पावित स्थले गले वलं विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनाद वड्ड मरवयम चकार चंड तांडवम तनोत्न शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्वलललाट फट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम। अरे क्या चल क्या रहा है? और एक हनुमान मंदिर, झुंझार हनुमान मंदिर। वाह, जय श्री राम, जय श्री राम। वे तीसरा हनुमान मंदिर है। वाह वाह वाह, जय श्री राम, जय श्री। वाह, यहाँ पे कौन है? मुरली मनोहर। देखो पहुंच गए, सुबह भी हो गई है। चलो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, अगर हो सके तो फोटो भी दे देता हूँ, तो आसानी पड़ेगी। भक्त निवास। एक्चुअली मैंने देखा ना, एक्चुअली पूरे गांव में करीबन 5-6 जगह पे भक्त निवास है, और बिल्कुल मंदिर के नज़दीक भी और एक था, कि यहाँ पे नंबर वगैरह दिया है, आप नोट कर लो। और फेयर्स भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो रीज़नेबल है बिल्कुल। और सुबह में 4 बजे भी गर्म पानी था, मैंने तो ठंडे पानी से नहाया था। देखो गर्म पानी पाट 4 से 8 पर। वाह, चलो अभी यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर पर एक तुलजा भवानी का मंदिर है। अभी जहाँ पे हम गए थे वो नहीं, ये दूसरा मंदिर है और उसका नाम है धाकटा मंदिर। धाकटा मतलब क्या? तो यंगर ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे जो आइडॉल है या फिर जो माता जी का मंदिर जो है वो छाया मंदिर है, बराबर। तो वो दूसरा वैसा ही मंदिर है और वहाँ पे आप जितना चाहे उतना बैठ सकते हो अंदर। तो समय भी है अभी, सोचा कि थोड़ा सा चलेंगे और वो मंदिर का दर्शन भी हो जाएगा। वाह, अभी तकरीबन 9 बजे है अभी, लेकिन ठंड है, अभी ठंड है, बहुत बहुत ठंड है। अभी थोड़ा सा उस मंदिर के बारे में थोड़ा सा पूछा मैंने यहाँ पर, तो पता चला कि इसको सेकेंडरी टेम्पल बोलते हैं, छाया मंदिर, बराबर। जब मैं गोंदौली में गया था ना, तो वो गोंदौली में भी वैसा ही था, एक थोरला मंदिर था और एक डाकटा मंदिर था, मतलब ओल्डर एंड यंगर, और एल्डर या यंगर ऐसा ही कुछ। चलिए चलो डाकटा मंदिर। Your destination is on the left. वाह जय भवानी माता। वाह सुंदर है। सुंदर मूर्ति। गुरु जी मंदिर के मत है। स्वयंभू माता जी खेत में मिले हमारे। वाह, अष्टभुजा है, महिषासुर मर्दिनी। ओके, ये गांव पे ये साइड पे हमारा खेती है, वहां पे मिल गया था, वहां हल चलाते वक्त वहां से लाके इधर बैठा है। अष्टभुजा है, ये साइड पे चार थे, ये साइड पे चार था,
अष्टभुजा, ये साइड पे चांद है, इधर सूरज है, यहाँ पे नरसिंहमुख है, यहाँ पे शिवलिंग है, महिषासुर है पैर में, दो बाजू को दो शेर है, और ये साइड पे हाल लगा हुआ है। अभी ये मूर्ति निकाल के हमारे खेती में, हमारी चौथी पीढ़ी, अभी चौथी पीढ़ी, वहां पर बिल्कुल सेम है क्या? और अलग, ये अलग है, खाली ये ओम माता जी बिठाई वाली है वो, हाँ। बना के ये बना के नहीं बिठाए, ऐसी ऐसी स्वयंभू मूर्ति है ये, बढ़िया। अतः ये मूर्ति नहीं, और हम चीज चौथी पीढ़ी में मूर्ति मूळ तुळजापूर हे, कारण तुळजापूर नंतर त्याला नाव नंतर दिलेलं, तसं जुनं तुळजापूर म्हणजे हे खरं, त्याला नाव आहे चिंचपूर नाव, पहिलं चिंचपूर, जुनं चिंचपूर, तसं तुळजापूर म्हणे असल्यामुळे ते तुळजापूर नाव दिलेलं, नंतर पुन्हा दिलेलं। बर, ती मूर्ती जी शिवाजी महाराज टाइमला स्थापना केली, ती मूर्ती स्थापना केलेली, बरोबर, स्वयंभू सापडलेली आहे, हाय अशी मूर्ती सापडली आहे। तुम्ही मूर्ती जर आपल्या वेळेस जर बघितली असेल वस्त्र काल्यानंतर, मूर्ती जी वेळ एवढं तेज आहे मूर्तीवर, आणि आम्ही काय बदल केलेला नाही, जसं हाय अशी साहेब तशीच, हाय अशी निघाली, हाय अशी शब्द काय करत सकाळी संध्याकाळ नाही की तुम्ही जरी सांगितलं तर आम्ही अभिषेक करतो, प्रसाद पाठवता किंवा नाही समोर बाजार तो फुल भरा है। अभी कहाँ आ गए? हाँ ठीक है, कितने का ये? कितने का ये? ठीक है, चलो और एक मंदिर है, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। चलो अभी जाएंगे भोजन करने। आप सिंगेकर, इनके यहाँ अभी हम आए हैं, चलो भोजन की हरिहर। चलो अब इस तरह से हमारी आधी जर्नी तो पूरी हो गई है, अब आधी बाकी है, वो भी हो जाएगी अक्कल कोट के बाद में। अभी थोड़ी धूप है ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है, दोपहर के 12-1 बजे होंगे अभी। चलो अभी पहुंच गए अक्कल कोट, अभी ठंड में गर्मी लग रही है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट फेमस है गर्मी के लिए, तो अच्छा ही है, फुल ऑन गर्मी है, ठंड में गर्मी है। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। Thank you.
कंस्ट्रक्शन चल रहा है शायद। श्री स्वामी समर्थ वटवृक्ष मंदिर। इस प्रकार से हमारा दर्शन भी हो गए और अक्कलकोट से अब निकलेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है ना, अक्कलकोट में मुझे उतने जगह पता नहीं है। अगर किसी को पता होंगी ना तो प्लीज़ पूरे जो स्थान है अक्कलकोट में, जो भी स्थान है अलग अलग, उसकी एक लिस्ट मुझे कमेंट में बता दीजिए। जिस प्रकार से मैं अगले टाइम जब आऊँगा ना तो उसे पूरा सब देख सकूँगा। अभी इस बार भी अभी तो 4 बजे है, अभी तो टाइम नहीं है उतना, तो निकलना पड़ेगा। लेकिन बताइए पूरा लिस्ट। एक्चुअली मुझे लगा था कि सोलापुर में अभी ठंड होगी, लेकिन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।